दोस्तों जय हो करम की, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह की आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। और दोस्तों आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये गोपाल जी महाराज का मंदिर है जो कि सिटी शहर सवाई माधोपुर में पड़ता है और काफ़ी पुरानी धरोहर है। ये कहेंगे काफ़ी पुरानी, यानी काफ़ी पुरानी का मतलब है सदियों गुजर चुकी है। और साथ में यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने देखा जाए तो एक मंदिर और है, और वो मंदिर आप देख के आप खुद पहचाने कि कौन सा मंदिर है। आप देखिए सामने मंदिर देख पा रहे होंगे, ये मंदिर देख के किस चीज़ का मंदिर है। दृश्य बहुत ही प्यारा है और इस दृश्य को देखते हैं बनता है सुंदरता है इस दृश्य की। और अगर हम इस छटा की बात करें तो बारिश में बहुत ही अच्छी छटा लगती है। तो चलते हैं हम यहाँ पर गोपाल जी महाराज के मंदिर के अंदर। दोस्तों हम लोग गोपाल जी महाराज मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये छतरी है, काफ़ी अच्छी लग रही है, सौंदर्य बहुत ही प्यारा है यहाँ का। और साथ में आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे ये जो मंदिर दिख रहे हैं आप, गोपाल जी महाराज का मंदिर है कृष्ण जी का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ में मैं जहाँ खड़ा हूँ वो भी आप देख के अचंभित हो जाएंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये एक पानी का स्रोत है, यहाँ पर कुंड है, ये काफ़ी बड़ा कुंड है। और इस कुंड के अंदर यहाँ पर जो इसकी एक खड़े रहने की जगह है, यहाँ से मैं खड़ा हुआ हूँ और देख भी पा रहे होंगे आप लोग इस कुंड को। और ये पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने एक पानी का स्रोत होता था, इसके अंदर यहाँ पानी जमा हो जाता था बारिश का, और उस बारिश के पानी को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि पानी की काफ़ी परेशानी रहती थी पहले, तो हर जगह पानी के कुंड बनाए जाते थे। वहीं पर ये जो अभी देख पा रहे हैं हम लोग, ये दृश्य काफ़ी सुंदर है। और साथ के साथ ये भी देखना कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर बदलेगा माधोपुर के तहत कलेक्टर और प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से इस बावड़ी की सफाई की कराई गई थी, इस कुंड की सफाई कराई गई थी। उस समय काफ़ी कचरा निकला था और काफ़ी कुछ लोग थे, ये कहेंगे सवाई माधोपुर के काफ़ी लोग थे जिन्होंने यहाँ पर सफाई की थी, बहुत ही अच्छी बात थी। और आज भी इसको आगे भी इस पर सुधार किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर एक पंडित जी हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे और जानेंगे इसकी हिस्ट्री, ये कितने साल पुराना है। दोस्तों मैंने कह रहा था कि सामने एक मंदिर है गोपाल जी महाराज का, और आप देख पा रहे होंगे ये देखिए जो कृष्ण भगवान और राधा जी की मूर्त है, ये देखते ही बनती है, वास्तव में देखने लायक है और मन को मोहती है ऐसी मूर्त। और काफ़ी वर्षों से है ये, तो इसको देखते हुए हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ में यहाँ लोग भी काफ़ी आते हैं और वर्षों पुरानी बताई जाती है इस मूर्त को। और मैं बात कराता हूँ आपकी यहाँ पर जो इसकी सेवा पानी करते हैं उनसे। हम लोग अभी आप देख पा रहे हैं सामने गोपाल जी महाराज का मंदिर है, विग्रह है, और हम बात करते हैं महाराज से, इनसे जानते हैं पहले परिचय। आपका नाम? मेरा नाम पंडित चक्रधर शर्मा है जी। तो आप ये कितने साल से यहाँ सेवा पानी कर रहे हैं? 50 साल से सेवा कर रहा हूँ मैं। 50 साल से ये जो जगह है वो कितने साल पुरानी है? ये लगभग 250 साल पुरानी, इनको महाराजा सवाई माधो सिंह जी ने बनवाया था जी। और ये मंदिर 1824 विक्रमी का बना हुआ, बसंत पंचमी के दिन इसकी नींव रखा हुआ जी। तो जब से आप ही कर रही है आपके जो पूर्व? नहीं नहीं, जब से वो तो पौने तीन साल हो गए साहब, वो तो मेरी आयु तक आपके मेरे पूर्वजों, हमारे उन्होंने बनवाया था और हमारे पूर्वजों को उन्होंने पात्रता के अनुसार उनको सेवा पूजा के लिए मंदिर सौंपा था जी। इसके साथ में सवाई माधोपुर तहसील की 23 गाँव के अंदर 1444 बीघा जमीन भी दिए जी। लेकिन आज जो जोता था उन्होंने अपने कब्जे कर लिए हैं हमारे पास भगवान की सेवा पूजा के लिए। और यहाँ पर ऐसी क्या देखने लायक चीज़ें जो अच्छा लगता हो, जो दृश्य लगता हो, आने जाने वाले लोग आके इसको देख के कहें वाह मज़ा आ गया? हाँ तो ये क्या है कि एक तो जंगल में एक पूरी तरह से प्रकृति के गोद में बसा हुआ मंदिर है जी। और वर्षा ऋतु में यहाँ आगे पीछे चारों तरफ पानी ही पानी फॉल। इस मंदिर के अलावा और भी कोई मंदिर है यहाँ? इस मंदिर के अलावा यहाँ भगवान का भोलेनाथ का मंदिर है, ये भगवान भूतनाथ का मंदिर है सब। यहाँ पर कोई भी पंचायत नहीं है, भगवान कार्तिकेय का मूर्ति भी नहीं है, माता जी की और गणेश जी की मूर्ति है। इस मंदिर के अंदर जो है वो जब से मंदिर बना तब से गणगौर की सवारी शहर से चल करके नहीं यहाँ आती है। ऊपर नाजिम साहब बैठा करते थे, नीचे नागा बाबा जी डांस किया करते थे, नरसिंगा बजाया करते थे। एक में तो बहुत प्राचीन परंपरा है यहाँ की, और आप बताते हैं जो अखंड ज्योति चल रही है यहाँ पर, एक भगवान लक्ष्मी नारायण की है। कितने सालों से चल रही है ये? लगभग 10 साल से चल रही है।
अच्छा, और ये किस तेल की है या घी की है? ये तेल की है, तिल तेल, तिल तेल की। तेल तिल तेल ही क्यों? हाँ, तेल इसलिए है कि भगवान विष्णु का तिल में वास होता है, इस वजह से तिल के तेल से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न रहते हैं, ऐसी मान्यता है। उसके आधार पर मैं इसको मैंने प्रज्वलित कर रखी। अभी हम लोग ऊपर चल रहे हैं, हमको बताया जो ये है यहाँ पर पुजारी जी, उन्होंने कहा कि आप ऊपर चलिए, ऊपर का भी दृश्य आपको दिखाते हैं, और वास्तव में सौंदर्य काफी देखने लायक होगा ऐसा कहा जाता है जब हमको लेके जा रहे हैं। तो चलिए आप हमारे साथ में। ये विश्रांति भवन है साहब? कौन सा? ये सामने वाला जी, इसके तो, बारे में तो इसके बारे में ये है कि उफान पर होता है जी, तो नाला जब उफान पर होता है तो फिर भगवान को हम ऊपर ले आते हैं इसमें। अच्छा, वर्षा ऋतु में जी जी, क्योंकि नीचे उनके जो डूबने का खतरा रहता है। क्या बात है, क्योंकि पाषाण की मूर्ति है, थोड़ा सा बहुत बेशकीमती मूर्ति है जी जी, यहाँ इर्द गिर्द काली मूर्तियाँ बहुत, मतलब कोई बेशकीमती होती है, कोई कीमत कीमत नहीं है जी। आइए आप आगे बताइए। इस कमरे में जी विराजमान कर देते हैं उनको। अच्छा अच्छा, और हम लोग यहीं पर ही विश्राम करते हैं वर्षा ऋतु। ये बिलपत्र का पेड़ है जी, ये भगवान शंकर पर श्रावण मास के अंदर सैकड़ों लोग आते हैं बिलपत्र लेने, फल भी आ रहे हैं इसमें। ये शमीपत्र का पेड़ है सर जी, भगवान शंकर की सेवा में काम आते हैं जी, इनसे पाप नष्ट होते हैं और इनसे बरकत आती है आदमी को, मनुष्य जो है वो सफल होता है भगवान शंकर के ऊपर इसको चढ़ाने से, कई पापों से मुक्त होता है। इसलिए भगवान शंकर के समय पूजन के समय जरूर इनको चढ़ाना चाहिए। बील का पेड़ है, ये क्या काम है? बील का पेड़ तो ये औषधि पेड़ है सब जी। है कि नहीं, इसकी औषधियाँ बनती है, यदि किसी को कब्ज हो रहा हो तो कब्ज दूर होता है, और यदि किसी को मतलब लग रहा हो तो वो उससे डिसेंट्री दूर होती है कि नहीं। पत्ते भी काम आते हैं, काम और किस क्या काम आता है? जूस बनता है बील का बड़ा, और बड़ा उस दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से कहिए या औषधीय दृष्टि से कहिए या स्पिरिचुअल दृष्टि से कहिए, इसका बील का भगवान शंकर के ऊपर चढ़ते हैं इनके पत्ते हैं। अभी महाराज जी ने कहा कि हम आपको चील मेल में ले चलते हैं, आप पहले तो ये बताइए कि चील मेल का अर्थ क्या है, मतलब क्या नाम रखा गया उसका? बुजुर्गों के द्वारा रखा गया नाम है, मेरे द्वारा तो रखा जी। और वो चील मेल दिखने में कैसा लगता है? आप स्वयं चल के देखेंगे जी। हम लोग चील मेल पे आ चुके हैं, और चील मेल का यहाँ कहेंगे कि आनंद, वास्तव में हवा के झरोगे हैं ये, और काफ़ी अच्छा सुहाना दृश्य भी है, और हम लोग पीछे भी देख पा रहे हैं। आप जो पीछे देख पा रहे हैं ये यूँ कह रहे हैं अभी पंडित जी, क्या होता है ये यहाँ वर्षा के दिनों के अंदर बहुत तेज खोर रहा आता है जी, जिसमें तो पानी बह करके जाता है जी। लोग आप पिकनिक के लिए आते रहते हैं यहाँ पर जी, जी, खीर मालपुए की रसोई होती रहती जी, है जी। लोग आग बैठ के दही बड़े खाते रहते हैं, मजा लेते जी, रहते यानी हैं, यानी कि प्राकृतिक आनंद लेता है, प्राकृतिक आनंद आता है। और वास्तव में ये हम भी देख पा रहे हैं, जब अभी बहुत ही अच्छा सौंदर्य है यहाँ पे देखने में, बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य लग रहा है, तो सोचिए कि बारिश के दिनों में कितना अच्छा लगता होगा। सामने से नाला बहता है बहुत सारा, और सामने से इस मंदिर के जस्ट सामने से बिल्कुल नाला बहता है, वास्तव में दृश्य जबरदस्त है और देखनी जगह। दोस्तों अगर और भी अगर हम बात करें तो मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ से ऊपर से एक दृश्य और दिखाता हूँ, कुंड का दृश्य, उसको देखते हैं हम। दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं सामने जो ये दृश्य है कुंड, और इस कुंड का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, ये कुंडी है, राधा गोपाल जी के मंदिर का कुंड है ये, और इस कुंड का विहार करते हैं बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कृष्ण जी और जल जूड़ने का यहाँ दृश्य होता है, और दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर दृश्य, चील महल से लिया हुआ दृश्य है ये, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और बारिश के दिनों में तो यहाँ की छटाई अलग होगी, मज़े ही अलग होंगे। तो हम लोग कभी अगर हमको मौका मिला तो बारिश के समय आएंगे और इसका और दृश्य देखेंगे यहाँ के। दोस्तों अभी गोपाल जी महाराज के हमने काफ़ी दृश्य दिखाए, और हमने बात भी करी यहाँ जो महाराज हैं उनसे, और चील घर भी दिखाया, कुंड भी दिखाया, और कृष्ण जी की हमने मूर्त भी दिखाई जो बरसों पुरानी है, सदियों पुराना यहाँ महाराज जी का मंदिर कहा जाता है, ये कहेंगे पुरानी धरोहर है ये। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो घंटा जरूर बजा के जाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।